हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रशांत कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिविगंज बरेली। तो आज हम सीखेंगे वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि कक्षा 12 का एक चैप्टर है। सबसे पहले ये वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, क्या होती है वैद्युत रसायन? तो रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उनमें से वैद्युत रसायन भी उसी रसायन की एक शाखा है। तो हम कह सकते हैं विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं और उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा और उन ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ऐसे रसायन विज्ञान को वैद्युत रसायन विज्ञान कहा जाता है या वैद्युत रसायन कहते हैं। नेक्स्ट, सेल। सेल एक प्रकार की युक्ति होती है, ये एक युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हमको ऊर्जा प्रदान करती है। ये सेल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल जिसे हम गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, गैल्वेनी सेल। दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल, ये वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऐसी युक्ति को हम वैद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनी सेल कहते हैं। दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल, ये क्या होते हैं, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। ये ऐसे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल कैसे काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैद्युत रासायनिक सेल, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमको दो अर्धसेलों का निर्माण करना पड़ता है। इसमें हम दो पात्र लेते हैं, अलग अलग पात्र लेकर इनमें इलेक्ट्रोड एक प्रकार की धातु छड़ होती हैं, धात्विक छड़ होती हैं। इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है। तो इलेक्ट्रोड वे धात्विक छड़ें होती हैं जिन पर ऑक्सीकरण या हम कह सकते हैं उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इन धात्विक छड़ों को जिस भी धातु की हमने ये छड़ ली है, तो वैद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए हमने यहां पर उदाहरण लेते हैं डेनियल सेल का। ये डेनियल सेल है,
डेनियल सेल का उदाहरण लेते हैं। तो डेनियल सेल बनाने के लिए हमें पहला इलेक्ट्रोड चाहिए जिंक का, पहला जिंक का। एक दूसरी छड़ हमने ली है, दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है, वो है कॉपर का। जिंक छड़ को हम जिंक के ही साल्ट सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, इस तरह से। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, इसे हम कॉपर सल्फेट या कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। यह है कॉपर सल्फेट और यह हमने ले लिया है जिंक सल्फेट। इस तरह से ये दो अर्धसेल लगभग लगभग तैयार हो चुके हैं। अब क्या होता है, जिंक और जिंक सल्फेट, जैसे ही हम जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो इनके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी तरह से कॉपर को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो इनके मध्य भी एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जब जिंक को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया है तो एक अर्धविक्रिया होती है, Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है या लॉस कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, यहां से दो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देता है। मींस इससे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या इस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और इस तरह से जब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर प्लस टू चार्ज आ जाता है। ये दूसरा, ठीक इसी तरह से कॉपर, कॉपर क्या करता है, कॉपर आयन है ये, कॉपर सल्फेट के आयन, वो क्या करते हैं, कॉपर इन जिंक द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और कॉपर धातु का निर्माण करते हैं। इन दोनों सेलों को हमें एक इस तरह से इनके बीच चालकता को बनाए रखने के लिए एक लवण सेतु को जोड़ना होता है, जो कि प्रायः KCl पोटेशियम क्लोराइड का होता है, जिससे क्या होता है, विभव बना रहता है। इसे हमने KCl से KCl के लवण सेतु द्वारा या रॉड द्वारा इसको अटैच कर दिया है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया है और इन पर ये दो वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया, जो भी अपरेटस हमको चाहिए यहाँ पर उसे, और इस तरह से ये वैद्युत रासायनिक सेल बनकर के तैयार हो जाता है। यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है इनको फिर से देख लेते हैं। जिंक ने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। जब कोई भी धातु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तब ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण। दूसरी तरफ इस धातु आयन ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है और कॉपर धातु का निर्माण किया है। ऐसी कंडीशन में जब धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तब ये क्रिया कहलाती है अपचयन, ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसे अगर हम जोड़ दें दोनों अभिक्रियाओं को तो हमें मिलेगा Zn प्लस कॉपर प्लस टू इज इक्वल टू Zn प्लस टू
प्लस कॉपर। ये अभिक्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है जो कि इस सेल में संपन्न हो रही है। इस सेल के लिए जब हम सेल आरेख लिखते हैं तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेल आरेख लिखने के लिए उस सेल के ऑक्सीकरण के इलेक्ट्रोड को लिखना होता है, स्लैश लगाते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को लिखना होता है, जिंक सल्फेट डबल स्लैश ये ऑक्सीकरण। इसके बाद हम अपचयन को दर्शाते हैं। अपचयन में सबसे पहले कॉपर का विलयन, कॉपर सल्फेट स्लैश कॉपर, इनके साथ ही साथ अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जिंक जो कि रॉड थी, एक प्रकार का सॉलिड है, जिंक सल्फेट ये एक्वस सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन है और कॉपर सॉलिड है। ये हो गया इस सेल के लिए सेल आरेख। तो किसी भी सेल का आरेख, सेल आरेख लिखने के लिए सबसे पहले ऑक्सीकरण को दर्शाया जाता है, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।